जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्डिफेंस पे। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन प्रति माह जो है कराया जाता है, जो कि प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, जिसे कि PMNAMCAP नाम से आप जानते हैं, और ये लगभग 3-4 महीने से कराया जा रहा है। हर मतलब जिला में लगभग 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 हर जिला में और जो है पूरे मतलब भारतवर्ष में कराया जाता है, हर राज्य में कराया जाता है। तो ये भी आप लोग को जानकारी होगी कि जो हर महीना होता है, हर महीने के जो दूसरा सोमवार होता है, सेकेंड मंडे जो होता है, तो उस मंडे को इसका अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे जो इस महीने मतलब अक्टूबर महीने का जो डेट जो है वो आपका यहाँ पे देख लीजिए तो अनाउंस किया जा चुका है, जो कि 10th अक्टूबर है, मंडे को, ठीक है। तो PMNAM मेला इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 10th अक्टूबर 2022, मंडे को होगा। तो यहाँ पे गाइज आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होता है कि अगर जो भी बच्चे ITI पास आउट हैं, या फिर सिर्फ ITI ही नहीं, अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है, या फिर आप सिर्फ 10th करके भी हैं, या फिर आप 12th करके हैं, अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे ये जो मेला जो होता है यहाँ पे आप जा सकते हैं, अप्रेंटिसशिप मेला में आप जा सकते हैं। अगर बात करेंगे इसका प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। हालांकि अभी रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है एक्टिव नहीं हुआ है, बट जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आपको चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरी बात कि आप कैसे जानेंगे कि अप्रेंटिसशिप मेला कहाँ लगता है। तो मैंने आपको हर बार अप्रेंटिसशिप मेला जब भी जब लगा है आपको बताए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ झारखंड से हूँ, तो मैं इस झारखंड वाले सेगमेंट जो यहाँ देख रहे हैं आप, इस पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो झारखंड में जिस जिस जिला में जहां जहां लगने जा रहा है अप्रेंटिसशिप मेला, उसका यहाँ विवरण आ जाएगा। तो टोटल देखिए, टोटल 8 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ की ये अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन होने वाला है। तो जैसे हम गढ़वा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस जगह क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगा, और ये ऑलमोस्ट जो है गवर्नमेंट ITI, जो कि नोडल ITI होता है, वहां पे कराया जाता है। मतलब मोस्टली केसेस में 80-90% केसेस में इसका देखिए एड्रेस भी आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद जो कोऑर्डिनेटर है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो ये आयोजन कराएंगे आपके जिला में, वो नोडल पदाधिकारी का है या फिर जो है कोऑर्डिनेटर, उनका यहाँ पे डिटेल्स भी मिल जाएगा। जैसे ये तीन यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेटर है, उनका ईमेल है, फोन नंबर है, और यहाँ पे जो है मेला में मतलब रिप्रेजेंटेटिव टाइप, मतलब कि ये हो गया आपका कि वो किस पोस्ट पे है, ओके। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट एंड देयर वैकेंसीज, ये क्या है कि कौन कौन सी एस्टेब्लिशमेंट, कौन कौन सी कंपनियां आ रही हैं, फिर कौन कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसी कितनी है, वो भी यहाँ पे अपडेट होता है। बट फिलहाल जो है अभी यहाँ पे डाटा जो है एंट्री नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो है हर दिन अपडेट होता है, फिलहाल अभी अपडेट नहीं हुआ है। बट धीरे धीरे जैसे ही 10 तारीख आने वाला रहेगा, ये सभी यहाँ पे धीरे धीरे आप देखिए कि ये सब भरा जा रहा है, क्योंकि ये सूचना पहले जैसे कि कंपनी के साथ जो है DGT ये करती है कि आप जो है अप्रेंटिसशिप में आइए, बच्चों को अप्रेंटिसशिप का प्रपोजल दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाइए, ठीक है। तो ये बात होता है, बट जिनसे बात बनती है वो जो कंफर्म करते हैं, उनका यहाँ पे फिर लिस्ट में चढ़ाया जाता है, इस वेबसाइट में जो नीचे मैं बता रहा हूँ यहाँ फैलाया जाता है। तो इस तरह से जो है आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर बात करेंगे और दूसरे स्टेट्स का, तो उसी तरह से आप जो है अपना अदर जिसके MP का हम चेक करें, मध्य प्रदेश का, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टोटल 12 जिलों में होने वाला है। डिस्ट्रिक्ट नेम देख लीजिए। अब यहाँ पे किस पर्टिकुलरली इंदौर में जैसे हम चेक करें, तो इंदौर में जहाँ जहाँ होगा उसका देखिए यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं है, बट ये डिटेल्स अभी नहीं है, बट अपडेट होगा धीरे धीरे, जैसे नजदीक होगा डेट उस टाइम हो जाएगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको जिनको की पता नहीं होता है अप्रेंटिसशिप करना, मतलब कि कहाँ से किया जाए, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हालांकि देखिए अगर बात करेंगे कौन कौन सी यहाँ कंपनी आती है, तो मान के रखिए कि जो मिडिल स्केल जो कंपनी है वो तो आती ही आती है। कई बार जो है पिछले पहले के जो स्टार्टिंग में जो अप्रेंटिसशिप मेला हुए थे उसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक रेलवे वगैरह सब भी आई हुई थी, और कई दफा जो है ये कंपनियां आती हैं, बच्चों को लेके भी जाती हैं और उन्हें अप्रेंटिसशिप करने का मौका भी देती हैं, ठीक है। बहुत जगह सक्सेसफुल भी रहा है ये अप्रेंटिसशिप मेला, और कुछ कुछ जगह पे जो है नाकामी भी देखी गई है, क्योंकि बच्चे तो पहुंचते हैं बट कंपनी कई बार नहीं पहुंचती है। लेकिन ये हर जगह का सिचुएशन नहीं है, कुछ कुछ एक जगह पे ऐसा हुआ है। दूसरी बात कि कंपनियां आई ले भी गई बट लास्टली उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी अप्रेंटिसशिप के लिए, तो ये भी सिनेरियो है। बट आपके अगल बगल होता है तो आप जाइए, जरूर जाइए, मे बी आपको चांसेस मिले और हो जाए तो अच्छी बात है।
क्योंकि ये अभी किसी को नहीं पता है कि कौन कौन सी कंपनी आएगी, इसका लिस्ट भी ऐसे जारी किया जाता है बट फिलहाल तो अभी अपडेट नहीं है। बस ये अनाउंसमेंट है कि आपका 10 अक्टूबर 2022 को होने वाला है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है उस पर ऑलरेडी हमने वीडियो दे रखा था पहले के, बट बेसिकली आपको एक काम तो करना ही होता है जो कि अप्रेंटिसशिप इंडिया जो पोर्टल है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, 100% प्रोफाइल कंप्लीट कर लेना होता है, जिसका कि मैंने आपको वीडियो भी दे रखा है कैसे 100% प्रोफाइल कंप्लीट करें, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो उससे चेकआउट करके वो काम आप कर लीजिएगा, पहले ही वहां पहुंचने से पहले कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ फिर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा वहां पे भी वो जो आपका प्रोफाइल नंबर है मतलब कि जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है अप्रेंटिसशिप इंडिया का वो यहाँ पे डिटेल्स में मांगता है कई बार, तो इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। अप्रेंटिसशिप अगर करना चाहते हैं तो वो काम आप करके रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी, और यहाँ पे जो भी अपडेट्स आगे के फर्दर निकल के आएंगे डिजिटल की तरफ से आप तक पहुंचाऊंगा मैं, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और फर्दर अपडेट्स जो भी चैनल पे आते रहते हैं लाइक जैसे आपका जॉब से लेके अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड या फिर आईटीआई के अपडेट्स हो या स्टडी मटेरियल्स सभी आपको मिलता रहता है। तो मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमसे बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को भी लाइक करके शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।